जॉन सीना वर्सेस रोमन रिंग्स के समरस्लैम 2021 के मैच पे आई है एक बड़ी अपडेट। क्या डैनियल ब्रायन पूरी तरीके से WWE को छोड़ चुके हैं? क्या हमें बैकी लिंच की रिटर्न होती हुई दिखेगी? कौन सा सुपरस्टार कोफी किंगस्टन वर्सेस बॉबी लेशली के मैच में करेगा इंटरफेयर? पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स के बारे में क्या कहा? ड्रू मैकइंटायर का फ्यूचर क्या है? साथ में रेटेड आर सुपरस्टार एज ने रोमन रिंग्स की फैमिली के बारे में क्या कहा? करेंगे दोस्तों इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिन प्रशस्त एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ड्रू मैकइंटायर के फ्यूचर के बारे में। मंडे नाइट रॉ पे अब ड्रू मैकइंटायर बॉबी लेशली को WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर सकते। करंटली ड्रू मैकइंटायर जिंदर महल के खिलाफ एक फ्यूड में इन्वॉल्व है। दोस्तों ड्रू मैकइंटायर को लेके बड़ी अपडेट आई। डेव मेल्टर और रेसल टॉक ने कहा कि हमें ड्रू मैकइंटायर आने वाले WWE ड्राफ्ट में मंडे नाइट रॉ से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे मूव होते हुए ड्राफ्ट होते हुए दिखेंगे, जिसके पीछे का रीजन साफ है कि बॉबी लेशली अभी WWE चैंपियनशिप नहीं हारने वाले, इसीलिए ड्रू मैकइंटायर का मंडे नाइट रॉ पे रहना अब बेकार है और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रोमन रिंग्स के जेन्युइन अपोनेंट्स की कमी हो चुकी है, इसीलिए ड्रू मैकइंटायर को मंडे नाइट रॉ से मूव करके इस बार के ड्राफ्ट में फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे डाला जाएगा, जिसके बाद हमें रोमन रिंग्स वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का एक फ्यूड भी देखने को मिल सकता है साल 2021 में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कोफी किंगस्टन वर्सेस बॉबी लेशली के मनी इन द बैंक 2021 के WWE चैंपियनशिप मैच के बारे में। स्पॉइलर्स तो यही कहते हैं कि बॉबी लेशली कोफी किंगस्टन को हरा के अपनी WWE चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे, पर न्यू डे के टीम मेंबर बिग ई ने अपने दोस्त अपने टीम मेंबर कोफी किंगस्टन के बारे में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे रेसलमेनिया 37 पे हम तीनों एक ही शो पे मौजूद थे, इसीलिए मैं कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड की मदद करने के लिए रेसलमेनिया 37 के मैच में आया था। ऐसा ही कुछ मनी इन द बैंक 2021 पे हो सकता है। बिग ई ने कहा कि वो कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड की मदद करने के लिए मनी इन द बैंक 2021 में कोफी किंगस्टन के साथ इस चैंपियनशिप मैच में मौजूद रह सकते हैं, ताकि उनका दोस्त कोफी किंगस्टन दूसरी बार WWE चैंपियन बन सके। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रेटेड आर सुपरस्टार के बारे में, जिन्होंने रोमन रिंग्स और उनकी फैमिली यानी कि उसोस की इंसल्ट करने की कोशिश करी। रोमन रिंग्स को रेसलमेनिया 37 पे रेटेड आर सुपरस्टार ने स्टील चेयर के डंडे से टैप आउट कराने की कोशिश करी थी मुंह में डाल के। ऐसा ही कुछ उन्होंने चे और जिमी उसो के साथ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड्स पे करा, इसीलिए रेटेड आर सुपरस्टार ने रोमन रिंग्स और उनकी फैमिली की इंसल्ट करने के लिए ये दिखाया कि जे उसो के साथ भी उन्होंने बिल्कुल वैसा ही करा जैसे उन्होंने रोमन रिंग्स और जिमी उसो के साथ करा था। साथ में रेटेड आर सुपरस्टार ने कहा कि इस मूव से वो पूरी समोअन फैमिली को टैप आउट करवा सकते हैं और उनसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत सकते हैं। रेटेड आर सुपरस्टार ने दोस्तों रोमन रिंग्स की फैमिली को वीक बताया और रोमन रिंग्स को तो भगोड़ा तक कहा, जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए रिंग में उतर भी नहीं सकता। दोस्तों इसके अलावा मंडे नाइट रॉ के बाद मैट रिडल ने हमें रॉ टॉक पे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात रिवील करके दिखाई। मैट रिडल ने रिवील करा कि वो पुलिस स्टेशन गए थे, जहां पे उन्होंने रैंडी ऑर्टन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करी। रिडल ने कहा कि वो लगातार अपने आरके ब्रो यानी कि रैंडी ऑर्टन को टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, पर कोई भी जवाब रैंडी ऑर्टन मैट रिडल को नहीं दे रहे। उन्हें लगता है कि शायद रैंडी ऑर्टन खो गए हैं, इसीलिए पुलिस में जाके उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करी। दोस्तों ये सब स्टोरी लाइन का हिस्सा है जहां पे मैट रिडल रैंडी ऑर्टन की अटेंशन पाना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों डैनियल ब्रायन पे भी एक बड़ी अपडेट आई। क्या
है डैनियल ब्रायन की रिटर्न होने वाली है। क्या है डैनियल ब्रायन का स्टेटस जब से रोमन रिंग से यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे डैनियल ब्रायन हारे हैं, हमें डैनियल ब्रायन ना ही मंडे नाइट रॉ पे या फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखने को मिले हैं। अब तो डैनियल ब्रायन के स्टेटस को लेके भी और भी ज्यादा बुरी खबर आई है कि WWE ने उन्हें अपने सारे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। अब डैनियल ब्रायन का नाम हमें WWE के साथ किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं जुड़ता हुआ दिख रहा, इसीलिए डैनियल ब्रायन की रिटर्न होना समर स्लैम तक या समर स्लैम के बाद भी अब काफी ज्यादा मुश्किल लग रही है। पर दोस्तों एक खुशखबरी, बैकी लिंच अब रिसेंटली हमें वर्कआउट करती हुई नजर आई, जिसके बाद डेव मेल्टर का मानना है कि बैकी लिंच की रिटर्न हमें जल्द ही मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेगी। इस वक्त बैकी लिंच काफी अच्छी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही है। मदर बनने के बाद बैकी लिंच ने लगातार अपनी वर्कआउट फोटोज एंड वीडियोज को अपलोड करा है और सेथ रोलिंग्स ने कई बार उनकी फोटोज और वीडियोस को शेयर भी करा है, जिससे अब साफ सिग्निफाई होता है कि बहुत जल्दी हमें बैकी लिंच WWE में अपनी रिटर्न करती हुई दिखेंगी और शायद रॉकी वुमेन्स चैंपियन भी बैकी लिंच बहुत ही जल्दी बन भी जाए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। अपने नए लुक के साथ पूरे WWE को ब्रॉक लेसनर ने हिला दिया। नई पोनीटेल वाले लुक में ब्रॉक लेसनर माचो मैन की तरह पूरी तरीके से दिख रहे हैं। रेने यंग ने तो कहा इससे ज्यादा मैनली और कौन सा सुपरस्टार दिखेगा, पर पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर के बारे में स्टेटमेंट देके WWE में उनकी रिटर्न की चर्चा फिर से द्वारा ताजा कर दी। पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर के बारे में कहा कि ब्रॉक लेसनर को जब अपनी रिटर्न करनी होगी, चाहे रोमन रिंग्स के खिलाफ या बॉबी लेशली के खिलाफ, तो ब्रॉक लेसनर उस वक्त अपनी रिटर्न करेंगे। ब्रॉक लेसनर का मन होगा तो UFC में जाके UFC की हैवीवेट चैंपियनशिप भी जीत लेंगे। ब्रॉक लेसनर वो करेंगे जो ब्रॉक लेसनर करना चाहते हैं। पॉल हेमन ने यहां तक कहा कि रोमन रिंग्स या ब्रॉक लेसनर वो दोनों को ही मैनेज कर सकते हैं अगर दोनों ही एक साथ हमें WWE में आते हुए दिखे तो। इसके बाद दोस्तों हमारी आज की आखिरी खबर, रिसेंटली ये खबर आई थी कि जॉन सीना की मूवी कमिटमेंट्स की वजह से समर स्लैम 2021 का रोमन रिंग्स वर्सेस जॉन सीना का मैच कैंसिल हो जाएगा। तो डेव मेल्टर ने खुलासा करा है कि जॉन सीना की मूवी कमिटमेंट्स समर स्लैम 2021 के मैच के आड़े नहीं आएगी, यानी कि जॉन सीना का हमें समर स्लैम 2021 का मैच रोमन रिंग्स के खिलाफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जरूर देखने को मिलेगा। डेव मेल्टर का कहना है कि रोमन रिंग्स वर्सेस जॉन सीना का मैच एक मनी मेकिंग मैच है, जिसे WWE खुद जॉन सीना इस साल खेलना चाहते हैं। जॉन सीना के साथ टीज करा जाएगा कि जॉन सीना 17वीं बार चैंपियन बन सकते हैं और साथ में रोमन रिंग्स वर्सेस जॉन सीना का ये दूसरा मैच होगा। इससे पहले जॉन सीना रोमन रिंग्स से हार चुके हैं, तो ये जॉन सीना के पास रोमन रिंग्स को हरा के अपनी हार का बदला लेने का मौका भी होगा। ये स्टोरी लाइन WWE यूज कर सकती है डेव मेल्टर के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोमन रिंग्स वर्सेस जॉन सीना का मैच हुआ तो इन दोनों सुपरस्टार्स में से कौन जीतेगा? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।